मुझे लगता है कि आने वाले संबंध में इस साल में स्पेशलिटी जो सेक्टर है, जो ये इस सेक्टर की कंपनीज है, वहां पर एक अच्छी तेजी बन सकती है। और नए साल के लिए जो मेरा पिक ऑफ द ईयर है वो रहेगा SRF, जो कि एक काफी जाना माना नाम है, एक बड़ी कंपनी है। लगभग 60% बिजनेस स्पेशलिटी केमिकल से है और 20% जो कारोबार है वो पैकेजिंग फिल्म से है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक पिछले 2 साल से टाइम वाइज करेक्शन पूरी करता हुआ आया है और 2340 2350 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। इन स्तरों पे खरीदारी करें, 2270 2250 रुपए तक कोई गलत डिक्लाइंस मिलती है तो वहां पर पोजीशन को ऐड करें, क्योंकि ये एक लंबे समय की पिक है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद एक अप मूव दिखाने के लिए तैयार है और आने वाले 1 साल के लिए 3200 और 3500, ये दो टारगेट्स के लिए SRF रहेगा मेरा पिक ऑफ द ईयर। आज की हमारी जो पिक है, इन्वेस्टमेंट पिक है, वो है अपोलो पाइप्स। अपोलो पाइप्स 700 के आसपास चल रहा है, 610 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करनी है। टारगेट इसका रहेगा 850 रुपए का। मेजर ब्रेकआउट अबाउट 650 आया था, बाद में थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और एक पुलबैक आया, तो ब्रेकआउट जोन को फिर से रिटेस्ट कर ऊपर की तरफ चल पड़ा है ये स्टॉक। हमने ये SPL में भी कवर किया है विद अ लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ 850, सेम टारगेट है। तो यहाँ पर 1 साल के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। टारगेट 850, स्टॉप लॉस 610, अपोलो पाइप्स। आज मैं सिर्फ एक ही पिक दूंगा और वो है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज। अगेन अ ब्रिलियंट कंपनी, बहुत ही स्ट्रांग पेडिग्री वाली कंपनी। देखिए, एशियन पेंट्स के प्रमोटर्स, तीन प्रमोटर्स में से एक प्रमोटर ने ये प्रमोट की हुई कंपनी है। सो दैट्स एन अमेजिंग कंपनी। और एक बार ये एशियन पेंट्स का पार्ट था, फिर वहां से अलग होके ये कंपनी एक अलग खड़ी हुई है। और हम देखते हैं रबर, सिंथेटिक्स लेटेक्स और सिंथेटिक रबर में एक मार्केट लीडर है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो रबर रिलेटेड जो स्टॉक्स थे, अब वो धीरे धीरे एक के बाद एक चलने लगे हैं और इतने दिन अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो आई फील कि यहाँ पे बिल्कुल दाव लगाना चाहिए। एक तो सबसे बढ़िया बात है, ऊपर के लेवल से काफी करेक्ट हुआ हुआ है और डाउनसाइड रिस्क नहीं है, क्योंकि अब ऐसे मार्केट्स में डाउनसाइड रिस्क को देखना भी जरूरी है, क्योंकि अच्छी खासी तेजी हर स्टॉक्स में आई है। सो कुछ इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स के जो अंडर परफॉर्मेंस थे वो मुझे प्राइसिंग में कहीं ना कहीं वो दिख रहा है प्राइस इन होते हुए। तो इसीलिए आप इस लेवल पे अगर इस स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए आपको अच्छा पैसा बन सकता है। फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया, रिटर्न नंबर्स आर एक्सीलेंट, मतलब 28% के कैगर पे उसमें ROC पे है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24-25% है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को और पिछले 3 साल के प्रॉफिट की कैगर वैसे बहुत बढ़िया रही है। लास्ट क्वार्टर भले ही हल्का हो, बट 88% की 3 साल की प्रॉफिट की कैगर रही है। सो आई फील 600 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को लिया जा सकता है। न्यू ईयर पिक के तौर पे जो स्टॉक मेरे को चार्ट के ऊपर बढ़िया दिख रहा है वो है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील के अंदर मोमेंटम तेजी का बनना चाहिए। स्टॉक पिछले 4-5 दिनों से लोअर लेवल से तेजी के संकेत दिखा रहा है और स्टॉक अभी यहाँ से और ऊपर का मूव आज और आने वाले दिनों में दिखाना चाहिए। 630-635 के आसपास जिंदल स्टील के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट है 620-621 के पास है, तो 620 का स्टॉप लॉस लगा के JSPL में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 650 इसका पहला टारगेट, 660 इसका दूसरा टारगेट। पोजीशन तो फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से और शॉर्ट टर्म के मोमेंटम के हिसाब से JSPL में खरीदारी करें 620 के स्टॉप लॉस से, 650-660 के टारगेट से।